नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए इस बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर निशाने की, चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर घिरी सरकार की, बात करेंगे बीजेपी सांसद की बगावत की, एनडीए में मचे घमासान की, जानेंगे क्या है इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला, और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार के 10 साल में देश में 2.5 करोड़ एमएसएमई हुए बंद। वरुण गांधी ने दिया संकेत, बीजेपी ने नहीं बनाया उम्मीदवार तो भी लड़ेंगे पीलीभीत से चुनाव, 900 समन्वयक किए तैनात। मध्य प्रदेश में मंत्रालय में घटी घटना के बाद बीजेपी पर बरसे कमलनाथ, कहा सतपुड़ा और वल्लभ भवन बीजेपी के दलालों का अड्डा। कुरुक्षेत्र में केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव में धर्म और अधर्म की लड़ाई, कौरवों की तरह एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही मोदी सरकार। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अंतिम पड़ाव के करीब है। सोमवार को न्याय यात्रा में विश्राम का दिन है और मंगलवार को यह यात्रा महाराष्ट्र से शुरू होगी। यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र पर आए संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है। देश इस समय बड़े संकट में जाता दिख रहा है, और क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अपने अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर इस यात्रा का गुजरात में रविवार को अंतिम दिन रहा। सूरत के मांडवी से शुरू हुई इस यात्रा का बारडोली के अमर जवान चौक पर स्वागत किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बारडोली स्थित स्वराज आश्रम जाकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन किया। यहीं सरदार चौक पर अपने सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। राहुल ने भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, इसका हवाला देते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। कांग्रेस सांसद ने नोटबंदी और जीएसटी लाने के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को खत्म करना बताया। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देगी और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेगी। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे और अपनी आवाज उठाएं। इंडिया आपके साथ है। यात्रा के बाद कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। 11 मार्च को यात्रा का विश्राम रहेगा और 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से यात्रा महाराष्ट्र से फिर शुरू होगी। संविधान पर संकट दिख रहा है, संवैधानिक पदों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये नियुक्तियां भी अब विचारधारा के आधार पर हो रही हैं। हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज को इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होते देखा गया था और अब चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसका दबाव था। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। इन सभी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग से आ रही खबर ने सबको चौंका दिया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद पहले से ही खाली था और अब दूसरे चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद यहां केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले आए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अरुण गोयल। गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ईसीआई जैसी
संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। आपको बता दें, इसके पहले अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। एडीआर ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। बीते साल ईसी की नियुक्ति के कानून में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार की पसंद से होगा। इसलिए अब आगामी लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता पर गहन सवाल खड़े हो गए। विपक्ष का दावा है कि आज हर संवैधानिक संस्थान पर सरकार दबाव डाल रही है। दबाव में बीजेपी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष के खिलाफ तो जमकर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चल ही रहा है। कई विपक्षी नेता जांच से बचने के लिए बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के इस खेल से पार्टी के अंदर भी बगावत के हालात हैं। एक के बाद एक सांसद बीजेपी छोड़ रहे हैं। 2 दिन में दूसरे सांसद ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया में है, वहीं आए दिन बीजेपी का कोई न कोई नेता या सांसद पार्टी छोड़ दे रहा है। हरियाणा के हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ दी है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। बाद में खड़गे ने उन्हें कांग्रेस में आने की हरी झंडी दे दी। सांसद ने पार्टी छोड़ने की वजह पूछे जाने पर बताया कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें निर्णय लेना पड़ा। किसानों, अग्निवीर, महिला पहलवान जैसे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर वे भाजपा में असहज थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह किसान नेता सर छोटू राम के परनादी हैं। उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी भाजपा से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दोनों ने ही हरियाणा में भाजपा का जजपा के साथ गठबंधन का पुरजोर विरोध भी किया था। जाहिर है अपनी पार्टी के फैसलों पर मतभेद के चलते ब्रजेंद्र सिंह ने ये फैसला लिया है। बीते दिन पश्चिम बंगाल के झारग्राम से सांसद कुनार हेम्ब्रम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए पवन सिंह ने भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। एक के बाद एक मिल रहे झटके बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। ब्रजेंद्र सिंह का इस्तीफा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काटा नहीं था, वो खुद ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। साफ है बीजेपी में टकराव अब सड़क पर आ गया है, और सिर्फ पार्टी में ही टकराव नहीं है बल्कि एनडीए में भी जमकर टकराव चल रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में तो एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के लिए सीट बंटवारा मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिस कारण से लगातार बैठकें चल रही हैं। दरअसल बीजेपी 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जबकि शिवसेना को 9 और एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। बीजेपी ने 35 सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं, लेकिन शिवसेना और एनसीपी को ये डील मंजूर नहीं है, जिस कारण से मामला बुरी तरह से उलझ गया है। तो दूसरी ओर बिहार के हालात तो और भी ज्यादा खराब है। यहाँ बीजेपी सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही नहीं बना पा रही है। आधा दर्जनों के बीच सीट बंटवारा बेहद पेचीदा हो गया है। इस बीच चिराग पासवान के इंडिया गठबंधन में जाने की खबरें भी चल रही हैं। तेजस्वी ने चिराग को 8 सीटों का ऑफर दिया है और चिराग ने भी साफ कर दिया है कि उनका गठबंधन किसी दल के साथ नहीं है। एलजेपी का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग ने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि कई सरकारें आई और कई गई, कई गठबंधन टूटे, लेकिन प्रदेश की जो समस्याएं थी वो वही की वही है। साफ है चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। आग्रह करूंगा चाची, साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। एनडीए बिखर रहा है तो इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। दिल्ली, गुजरात, यूपी, एमपी सहित अधिकांश राज्यों में इंडिया के बीच सीट बंटवारा तय हो चुका था, और अब दक्षिण भारत के सभी राज्यों में भी इंडिया ने सीट शेयरिंग पूरी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 5-6 दिनों में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इस बीच दक्षिण से इंडिया गठबंधन में बड़ी खबर सामने आई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को 9 सीटें और पुडुचेरी में 1 सीट दी है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव में भी डीएमके कांग्रेस के बीच यही फॉर्मूला लागू किया गया था, और 2019 के आम और 2021 के राज्य चुनावों में कांग्रेस और डीएमके ने प्रमुख जीत हासिल की थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां 2019 की जीत को 2024 में दोहराने के लिए मजबूती के साथ लगी हुई हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला गठबंधन तमिलनाडु और पुडुचेरी में सभी 40 सीटें जीतेगा। उन्होंने कहा, हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे।
बीते दिन तमिलनाडु में डीएमके की तरफ से सीपीआई और सीपीएम को दो दो सीटें देने की बात कही गई है। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केडीएमके को एक एक और वीसीके को दो सीटें दी गई हैं। और इस गठबंधन में कमल हासन की भी एंट्री हो गई है। कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम को 2025 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट दी गई है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन तेजी से एकजुट होता जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इंडिया की एकजुटता से बीजेपी परेशान है, तो किसानों की एकजुटता ने उसे बेहद कमजोर स्थिति में खड़ा कर दिया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि चुनाव आए या जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन भी चलाया, जिसका जबरदस्त असर दिखाई दिया। किसान अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि चुनाव की आचार संहिता का उनके आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ेगा। उनका पक्का मोर्चा लगा हुआ है। ये तभी उखड़ेगा जब उनकी मांग पूरी होगी। आज किसानों ने कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। पंजाब में 52 जगहों पर और हरियाणा में 3 जगहों पर ट्रेनें रोकी गई, तो वहीं हरियाणा के सिरसा में रेलवे ट्रैक बंद करने के लिए जा रहे 45 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। किसानों के प्रदर्शन के कारण चंडीगढ़ जाने वाली 9 ट्रेनें रद्द की गईं। शताब्दी 3 घंटे की देरी से चली। वहीं पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर समेत कई जिलों में ट्रेनें रोकी गईं, जिससे रेल यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। मामले में आरपीएफ ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। रेलवे स्टेशन और आसपास पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन मुस्तैद है। किसानों को रोकने के लिए सिरसा में पुलिस ने किसान नेताओं को नजर बंद कर रखा है, तो वहीं किसान और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव की भी खबर सामने आई है। लगभग एक महीने से किसान अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में किसानों को न्याय नहीं मिल रहा। किसानों के मुद्दे पर भाजपा के अपने ही नेताओं में मतभेद सामने आ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात बंगाल में टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनावों के ऐलान से पहले सभी 42 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में बड़ी रैली की और रैली में ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। तो किसे मिला कहां से टिकट, देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ेगी, लेकिन बंगाल में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। ममता बनर्जी ऐलान पहले ही कर चुकी थी। वैसे कांग्रेस को उम्मीद थी कि टीएमसी के साथ उसका गठबंधन हो जाएगा। कुछ दिनों से इसे लेकर बातचीत भी शुरू होने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब अचानक ममता बनर्जी ने अपने रुख को सख्त करते हुए सभी 42 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की गर्जन सभा के दौरान ममता ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इससे पहले 2019 में भी टीएमसी ने एक साथ सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। टीएमसी ने बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर सीट से क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है, जबकि बशीरहाट से एक्ट्रेस नुसरत जहां का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह नरुल हक इस्लाम को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कूचबिहार से जगदीश चंद बसु, अलीपुर द्वार से प्रकाश चिक बराइक, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद राय, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्ण कल्याणी, बलूरघाट से विप्लव मित्रा, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी, मालदा दक्षिण से शहनवाज अली रेहान, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, कृष्णानगर से मऊआ मोइत्रा, राणा घाट से मुकुटमणि अधिकारी का नाम शामिल है। ममता का दावा है कि इस बार वो अकेले ही बंगाल में बीजेपी का सूपड़ा साफ करेंगी। भाजपा को राज्य की सभी 42 सीटों पर हार मिलेगी। तो आज इस बुलेटिन हेलो कैसे हो? मैम यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, नुसरत जी। मैम यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे नुसरत, यहाँ पे नुस। आइए आइए। भाई
नकुल जी हेलो, रुकिए 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 मैम, रुकिए ना प्लीज मैम, यहाँ तो रुकिए, एक फोटो करना मैम प्लीज प्लीज। थैंक यू मैम। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।